छतरपुर में अनंत चतुर्दशी पर हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान गजानन को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ विदा किया। वहीं शहर में कई जगह भक्तों ने अनोखे अंदाज में बप्पा को विदाई दी। इधर जिला प्रशासन की ओर से विसर्जन को लेकर पूरा इंतजाम किया गया था। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आज पूरे जिले में गणेश विसर्जन किया जा रहा है। पूरे जिले में हमारी 10 टीमें लगी हुई है और बूढ़ा बांध में भी हमारे 10 जवानों की एक एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जेसीबी से विसर्जन करने का कारण ये है कोई अप्रिय घटना ना घटे और सुविधा पूर्वक गणेश जी का विसर्जन हो जाए। कलेक्टर सर के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से वहाँ व्यवस्था की गई थी और में विसर्जन के लिए पृथक कुंड निर्मित किया गया था और इसके अलावा क्रेन के माध्यम से विसर्जन कराया गया। कोई भी जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो जलाशय के अधिक निकट ना जाएं, ऐसी व्यवस्था की गई थी। शाइन बोर्ड्स, खतरे के निशान के शाइन बोर्ड्स, ये सब वहां पर लगाए गए थे। गणेश विसर्जन पर यहाँ पर पूरा बांध में समुचित व्यवस्थाएं, राजस्व, पुलिस, अपना होमगार्ड एसडीआरएफ का दल एवं नगर पालिका द्वारा की गई हैं ताकि व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर गणेश मूर्तियों का विसर्जन